Audio Jungle. बिहार स्टार टीवी से मैं दुखन दास का रिपोर्ट। अब मैं इस वक्त परिहार प्रखंड अतखन्नी गांव के सब्जी के खेतों के पास अभी मैं आया हूं, जहां पर एक किसान है जो बड़ी धूमधामों से खेत किए हुए है और इनका खीरा का खेती है इस वक्त। मैं इनसे जानना चाहता हूं खेती के बारे में। सर आपका नाम? राम बाबू सिंह। अच्छा, कब से आप ये खेती किए हैं? खीरा का कितना दिन हो गया है खेती किया हुआ? खीरा जनवरी में लगाया था। जनवरी में लगाया हुआ है। सरकार से आपको कुछ फंड मिला है खेती कोई करने फंड, के लिए? कोई फंड नहीं मिला। बल्कि सरकार नीतीश कुमार जी तो फंड देते हैं। देते हैं, हम लोग के पास नहीं आ रहे हैं। तो आपने अधिकारी के पास गए हैं जो आपके लोकल अधिकारी है? पता नहीं है जो कौन लोकल अधिकारी है। अच्छा, आपको पता ही नहीं? पता नहीं। तो आप पता करने का कोशिश नहीं की अब तक? नहीं, कभी मिलवे नहीं करता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ है। नहीं मिलता है आपको। जब से आप खेती कर रहे हैं तो अगर बारिश हो गई तो आपकी फसल की क्या होगा स्थिति? फसल पानी होता है फिर भी डर लगता है, पानी ना होता है फिर भी फसल सूखने का डर लगता है। पत्थर गिरे, वर्षा हो, पत्थर गिरे, उससे कोई अथी नहीं मिल रहा है हम लोग को सुविधा। अभी खीरा हम लोग रोपे हैं 1800 के पैकेट लेकर के, 1800 के एक पैकेट आता है। और खीरा बिकना चाहिए अभी कम से कम 1500-1600, अभी 400-500 के पैकार लेकर जाता है, 405 रुपये किलो यहाँ से लेकर के जाता है। वह पैकार बेचता है 20-22 रुपये। किसान का कौन फायदा है? अभी किसान का कोई फायदा, कोई फायदे नहीं है। अब पूरी फैमिली, पूरा फैमिली देख रहे हैं, पूरा फैमिली जो है सर लगे हुए हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों का। हम लोग यहाँ आते हैं तो 400-500 के लेकर जाता है, वहाँ बेचता है 20 रुपये, तो किसान का कहाँ फायदा है यहाँ? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, जितना खर्च करते हैं, उस तरह से आमदनी हम लोग को आमदनी हो, हम लोग को पैसे मिले, यही चाहे पैसा मिले हम लोग को, पानी का सुविधा हो। मतलब आपके कहने का मतलब है इस क्षेत्र में स्टेट बोर्डिंग नहीं है? नहीं है, स्टेट बोर्डिंग का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, देख नहीं रहे हैं। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली का स्थिति अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर स्टेट बोर्डिंग के लिए अप्लाई करवाइए। अप्लाई जब ऊपर से फंड आएगा तब ना अप्लाई करेंगे। फंड तो गवर्नमेंट सरकार बराबर दे रही है, दे रही है, तो यहाँ कोई पते नहीं चल रहा है। तो आप अपने क्षेत्र के जो भी विधायक है उनसे आप कांटेक्ट करें। अच्छा ठीक है, कांटेक्ट करेंगे। ठीक, आइए हम एक चाचा से बात कर रहे हैं जो इस वक्त खेती में है। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ गोपाल मिश्र। आप भी खेती करते हैं? जी हाँ, खेती करते हैं। तो कितना नफा हो रहा है खीरा का खेती में करने का एक सीजन में? हम लोग मेरा मकान हो गया परिहारे प्रखंड में परवाह गाँव जी, ये हाँ। तो हम लोग के यहाँ एक खीरा का खेती नहीं होता, हम लोग अभी गेहूं का खेती है या दलहन कोई ऐसा खेती है उसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी सिंचाई का कमी है, इसलिए हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। बोर्डिंग भी जो है 20-25 बीघे पर एक बोर्डिंग नज़र आएगा, उससे हम लोग गेहूं को पटा लेते हैं, एक पटौनी देते हैं, इसके बाद जो भगवान भरोसे हो जाता है उसको हम लोग तैयार होते ही काट लेते हैं। या न तो बर्फ पत्थर गिरा या बारिश हुआ तो वो भी गेहूं उसी में गल जाता है, बस है तो पूरे धान को ले मारता है, कोई आपदा नहीं मिल पाता है हम लोगों को। आज 5 साल के अंदर में कोई भी आपदा नहीं है, और धान तो हर साल धान का फसल गलता है। छोटी बल्कि पीएम किसान की तरफ से तो 2004 मंथ से दिया जा रहा है जी, नहीं तो नहीं मिल किसान रहा को जो मिल रहा है। आज किसान के नौजवान जो गरीब मजदूर जो बाहर में खट रहा था, वही मिला ना, खट रहा था तो 10,000 या 15,000 अपने माँ बाप को कमा करके दे देता था, तो उसे परिवार भी चला लेता था, दो पैसा का बचत भी कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में तो गवर्नमेंट केंद्र सरकार को तो मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक घरेलू किसान हूं, लेकिन आज जो देखिए आम जनता, एक आम नौकर शाही जो नौकरी करने जाता है वो 2000-2000 रुपया भाड़ा लगा कर जाता है, उसको काम नहीं सही ढंग से मिलता है। वहां जाता है टाउन में जो 12,000 तनख्वाह पर काम कर रहा था, अब कंपनी बोलता है तुम 9,000 पर काम करो, 10,000 पर काम करो, उसको कैसे एडजस्ट होगा? एक रूम लेने के लिए 4,000-3,500 रुपया लगता है, पहले इतना महंगाई तो था नहीं, तो आदमी 1600-1500 में एडजस्ट कर लेता था, लेकिन आज के डेट में हो नहीं रहा। पाले यान में देखिए 2000-2000 गरीब जाता है, जो 500-700 में दिल्ली आदमी पहुंच जाता था या मुंबई 1000 में पहुंचता था, आज बम्बई जाने के लिए 5,000 रुपया की जरूरत होता है, कौन गरीब के पास होगा 5,000 के वो बम्बई जाएगा? जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी किसान आंदोलन हुआ था जो कि पंजाब हरियाणा के लोगों ने लाल किला पे
आए थे, जैसे ही कि हमारे बिहार का भी कुछ किसान है बहुत तकलीफों के साथ जी रहे हैं, हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं उनका जो भी फंड है उस किसानों को अति पूर्वक के साथ उनको पहुंचाया जाए। आइए हम एक आम आदमी पार्टी के संगठन से हम बात करते हैं, मुन्ना जी से, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपका लाख लाख शुक्रिया जो यहाँ खेती पे अप्लाए हमको बुलाकर और आप आए, बहुत बड़ा एहसान आप हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर किए हैं। और हम नाम है मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना, आम आदमी पार्टी के हम संगठन सचिव हुए जिला के, पूरे 8 विधानसभा के। तो सरकार यहाँ जो बिहार की जो है ना, हमारी तो यहाँ सरकार है नहीं जी, हमारी सरकार अगर रहती या विधायक का नौबत हम किसान के साथ होने नहीं देते। और बिहार की भी जनता जानती है आम आदमी पार्टी को कैसे है दिल्ली के अंदर। तो हम यही कहेंगे यहाँ के विधायक से और यहाँ के जो प्रमुख हैं, मुखिया है और जो एमपी है, उसके कानों तक पहुँचे कि जल्द से जल्द मतलब किसान का जो भी दिक्कत हो, समस्या हो या बोर्डिंग चाहिए, हमने सही बात नहीं, ये जो खेती वाले सर बोले हैं कि एक भी हमको नहीं मिलता है, लेकिन हम दौरा किए हैं तो कहीं बोर्डिंग नहीं है, लेकिन आगे हम बात करते हैं तो बिहार में बहुत सारा बोर्डिंग है। बोर्डिंग के नाम पे यहाँ अपना विधायक एमएलए ये सब जो है घोटाला मार के अपना घर में रख लेता है, लेकिन किसान तक पहुँचने नहीं देता है। तो मेरा यही कहना है कि हम आगे बात करेंगे इस विषय पे। अच्छा, तो आपका आम आदमी पार्टी इस वक्त केंद्र में है जी, तो आप अपने पार्टी से इस किसानों के बारे में बताए हैं कि हमारे किसानों के साथ ये घटना है, उनको बोर्डिंग नहीं है, लाइट की सुविधा 24 घंटा नहीं मिल पा रहा है, क्या आप आम आदमी पार्टी को बताए हैं? जी, हम ये बात किए हैं दिल्ली अपने अरविंद केजरीवाल से जी, तो बोले हैं कि ठीक है जो जो समस्या है बिहार के अंदर वो समस्या सब ले कर यहाँ आओ, फिर हम तो केंद्र में है नहीं, केंद्र में हमारे जो बैठे हैं गुरु हम उनसे बात करेंगे। तो वो कब तक बोले आपको आने के लिए? ये समझिए 1 महीना, मतलब कि 30 दिन बोले हैं इनको आम आदमी पार्टी ने कि से आप समस्या लेके आए हमारे मंत्रालय, फिर जाके हम बात करेंगे इस मुद्दे पे जो बिहार में जो भी समस्या है गरीबों के साथ उसकी हल करने के लिए हमारा झाड़ू छाप खड़ा रहेगा हमेशा। इसी के साथ हमारा दबंग बिहार स्टार टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना ना भूलना।